लवप्रीत ते बेअंत कौर के मामले के 25 अगस्त का दिन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यह वो दिन है जो लवप्रीत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के दिन नज़दीक आने शुरू हो गए हैं। कहा गया कि आने वाले समय के एक बड़ा खुलासा हो सकता है। लवप्रीत के वकील के वलों कहा गया कि 25 या 26 तरीक न एक बड़ा खुलासा हो सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, पर दूसरे पास बीते दिन यानी कि 24 तरीक न बेअंत कौर का जन्मदिन से यह दिन है जो पिछले साल लवप्रीत के नाल सारिया फोटो वायरल हुई ने बेअंत कौर दियां, जदों लवप्रीत लाडी ने बेअंत कौर का जन्मदिन मनाया सी। अपने घर के उस कमरे में सजा के अते पूरे परिवार को बुला के केक कटिया गया सी। माई क्वीन सिर्फ लिखिया ही नहीं सी, लवप्रीत ने बेअंत कौर के बारे सगो उसके सिर से ताज पवा के केक कटिया गया सी। वह फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। उन्होंने तस्वीरों के सारा माहौल बहुत ही खुशनुमा दिख रहा है। वो फोटो देख के पुराज रोना आता है, क्योंकि इस दुनिया के लवप्रीत नहीं है, जिदे करके बेअंत कौर उस घर के लिया गया से अच वह इंसान नहीं है। लवप्रीत के परिवारिक मैंबर के वलों बड़े ही चा के नाल उस दिन नू मनाया गया होएगा। तो 24 अगस्त का दिन याद करके परिवार रोया भी जरूर होना। बेअंत कौर ने अपना जन्मदिन का दिन कनेडा के किमें बिताया अते क्यों उसने हुण भी लवप्रीत के परिवारिक मैंबर के नाल संपर्क करन की कोशिश नहीं की, बहुत ही हैरानी की गल है। हालांकि कहा जाता है कि उसने बार बार फोन किए ने पर उसकी गलबात नहीं हुई, पर कि उसने गलबात का कोई होर राह चुनिया है, कि उसने किसी के भी राही गल करन की कोशिश की है, कि उसने कदे कोई टैक्सट मैसेज भेजे है, कि उसने चैट के राही ही गलबात करन की कोशिश की है। जिस परिवार के विचों एक नौजवान चला गया, उन्होंने लिए मुश्किल समा इस करके है कि वह गलबात करने योग नहीं, पर जेकर बेअंत कौर चाहे तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक होवे अते घर परिवार के मैंबर उसके नाल गलबात करन। 24 तरीक उसका जन्मदिन का दिन सी, अते इस दिन वह अपने परिवार के नाल गलबात कर सकती सी। हो सकता है कि आने वाले समय के सारे रिश्ते ने जोड़े खराब होया रिश्ता है जोड़ा वह जल्द ठीक हो जाता। कुछ अजिहे लोग भी ने जो कि इस गल ते आ रहे ने कि जल्द ही इस मामले दे विच राजीनामा हो सकता है, पर फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो इसे कुछ चंद दिनों दे विच महज एक हफ्ता वध तो वध दिन समा दस्या जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी। फिलहाल उम्मीद है हर एक नूं कि लवप्रीत नूं इंसाफ जरूर मिलेगा। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ भी होगा, जिस तरह कि लवप्रीत के लाडी के वकील के वलों बार बार कहा जाता है कि मैं हर तरह के नाल इंसाफ दवाने की कोशिश करूँगा, कोशिश ही नहीं सगो बकायदा उन्होंने वलों दावा किया जाता है कि यह सब कुछ जरूर होगा, जो भी लाडी का परिवार चाह रहा है, जो भी लाडी के चाचा जी के वलों कहा जाता है। विदेशों तक चिट्ठिया भेज दी गई ने, ट्रूडो मंत्रालय में भी चिट्ठिया भेजिया गई सन, विदेश मंत्रालय के भी ऑफिशियली चिट्ठिया सारियां नूं भेजिया गई ने। दसिया गया कि बेअंत कौर के मामले के इसते 400B का परचा दर्ज हो चुका है। आने वाले समय के होर भी कई तरह इस जुड़ सकती ने। फिलहाल इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। 25 तरीक अज हो चुकी है, पुलिस के वलों भरोसा दिता गया सी कि तकरीबन 25 तरीक ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरूर आ जाएगी। जेकर अजिहा कुछ होंदा है कि परिवार में इंसाफ नहीं मिलता, तो कहा गया सी लवप्रीत के परिवार के वलों बीते दिन जलंधर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घिराव किया जाएगा, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। इस मौके पर लवप्रीत लाडी के वकील के वलों दसिया गया कि जो भी थोड़े नाल कोई धोखाधड़ी करता है, तो तुसी कंप्लेंट कुछ इस तरह लिखो कि वह खास बन जाए। लोगों को सही तरह के नाल हदायत दी गई है, दसिया गया लोगों को दसिया गया खास तौर पर कि जो भी कोई थोड़े नाल गलत करे, तो जो भी तुसी थाने कोई कंप्लेंट देनी होवे, तो कुछ खास गल्लां दा ध्यान तुहानू जरूर रखना चाहिए। पहला नुकता दसिया गया कि कंप्लेंट छोटी होवे अते एक पेज तो ज़्यादा ना होवे।
दोषियों की सूची सही लिखी जाए और पासपोर्ट नंबर जेकर तुहाडे कोल होवे तां ओह भी जरूर दस्या जाए। उस कंप्लेंट दे विच विशा लिखो और खर्चे का जिक्र करो, दाज नहीं लिया सी, ये गल भी दसो। जिवें कि लवप्रीत मामले दे विच साफ है कि पूरे का पूरा खर्चा लवप्रीत के परिवारिक मैंबरों के वलों किया गया सी। लवप्रीत के परिवारिक मैंबरों का कहना है कि असी दाज के नाम से भी कोई भी चीज़ नहीं ली है, दाज नहीं लिया गया सी, सारा खर्चा पानी भी लवप्रीत के मापियां के वलों ही किया गया। लाडी के वकील के वलों कहा गया कि जो भी तुसी कंप्लेंट देवो तो खाता नंबर भी देवो, बाहर कदों गई सी कुड़ी, किस समय सब कुछ होया सी, तो वह तरीकों के नाल पूरा वेरवा जरूर दसो। लवप्रीत केस तो बाद कई केस अजिहे सामने आए हैं जिस करके लवप्रीत लाडी के वकील के वलों लोगों को खास तौर पर ध्यान रखने योग गल्लां बारे दस्या जा रहा है। उन्होंने दस्या कि अर्जियां दे विच आखिरकार की कमियां हुंदियां ने, की लिखना चाहिदा सी, की गलतियां हो जांदियां ने जिस करके सही कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाउंदी। प्रॉब्लम अते गलतियां बारे लाडी दे वकील ने जानकारी दित्ती है। उन्होंने दस्या कि जेकर तुहानू किसी लाड़ा या फिर लाड़ी ने बाहर नहीं सद्या, बाहर नहीं बुला रही अते वापस भी नहीं आ रही या फिर नहीं आ रहा, तो उस संबंधी तुसी शिकायत किस तरह के नाल कर सकते हो। बीते दिन लवप्रीत के परिवारिक मैंबरों के वलों वड्डा ऐलान किया गया सी कि जेकर उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता तो वह पंजाब सरकार यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोती महल के घर के बाहर रोस प्रदर्शन करेंगे। ना सिर्फ अपना रोस जाहिर करेंगे सगो धरना प्रदर्शन भी कर सकते ने। यह भी कहा गया कि जेकर उत्थे भी गल ना बनी तो वह पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे अते लवप्रीत नूं इंसाफ दवाउण की पूरी कोशिश करेंगे। जिक्रयोग है कि बीते दिन बरनाला के धनौला का रहने वाला लवप्रीत इस दुनिया तो चला गया। वह माँ बाप का एक लौता पुत सी। उसकी मौत के इल्ज़ाम लगे ने उसकी पत्नी बेअंत कौर से जो कि कनेडा के विच रहिंदी है। दरअसल जैनुअन विआह कहा जा रहा है कि जैनुअन विआह होया सी अते उस तो बाद यह तय किया गया कि बेअंत कौर लवप्रीत नूं बाहर लैके जाएगी। इस करके ही परिवारिक मैंबरों के वलों 25 लाख के करीब पैसा लगा दिता गया, पर बेअंत कौर ने बाहर तक ही लैके जाना सी, सगों वह लवप्रीत के नाल सीधे मूवी गल करती दिखाई नहीं दिंदी। काफ़ी सारी चैट वायरल हुई जिस दे विच ही देखा गया कि वह कई दिन लवप्रीत नूं रिप्लाई तक नहीं करती सी। इस गल ते लवप्रीत नूं इतराज़ भी जताया जा रहा सी लवप्रीत दे वलों, अते कई बार अजिहा भी होया कि उन्हां दे विच आपसी लड़ाई रहन लग पई सी। बेअंत कौर दे कोई मैसेज सामने आए जिस दे विच उह दसदी है कि ना सिर्फ लवप्रीत सगों उसदे दोस्त अते कज़न भरा ने जिहड़े ओह भी उसनूं पुट्ठा बोलदे सन। यह सारा मामला उसने अपनी ननाण यानी कि लवप्रीत की वड्डी भैण दे ध्यान दे विच लिआंदा सी अते उन्होंने वालों भरोसा दिता गया सी कि अजिहा हुण तो नहीं होगा, जेकर होएगा तो तू मैनू दस सकती है। पर यह मामला हुण इन्ना ज़्यादा उलझ चुकिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आउण वाली है, पर जेकर देखा जाए तो परिवार को इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। जेकर अजिहा हुंदा है तां कि आने वाले समय के कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर परिवार धरना प्रदर्शन करेगा। जेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के कुछ होर आता है तो कि नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर पूरा लवप्रीत का परिवार समेत जी जथेबंदी उन्होंने साथ दे रही ने कि वह धरना प्रदर्शन करनगियां। फिलहाल देखना होगा कि यह जी पूरी खबर है, सारा मामला है किस मोड़ पर जाके रुकता है। जन्मदिन के संबंधी दसिया गई सारिया गल्ला लवप्रीत के परिवारिक मैंबरों के वलों कही गई सन। बाकी सारिया गल्ला जो कि उसके परिवारक मैंबरों के वलों दावा किया जा रहा उन्होंने सारिया गल्ला की पुष्टि बोल पंजाब टीवी नहीं करता।